वेलकम टू माय चैनल सीमा होम किचन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सीमा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह सुबहाना ताला से दुआ है कि अल्लाह सुबहाना ताला हम सब के रिज़क में, खानों में, खुशियों में खैर बरकत का इजाफा अता फरमाए। आमीन और सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो चिकन का सालन की रेसिपी है। तो चले हम शुरू करते हैं। चिकन के सालन की रेसिपी कैसे बनाऊंगी मैं? बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही फटाफट बन जाती है। स्पेशल मेहमान अगर आए हैं तो फटाफट ये रेसिपी आप तैयार कर लेंगे। तो पहले हम आपको रेसिपी की तरफ लेके चलते हैं और बताते हैं कि हम इसको कैसे तैयार करते हैं। मैंने यहाँ पे दो प्याज लिया, बिग साइज का प्याज लिया मैंने, और यहाँ पे मेरे पास 1 किलो चिकन है, ये 2 टमाटर है, और 2 टुकड़ा मेरे पास अदरक है, 5 से 6 जवा जो है या कली कह लें लहसुन की है, 6 मिर्च है, इस तरह मेरे पास जायफल है, जावित्री है, एक छोटा सा टुकड़ा जायफल का है, इसी तरह एक छोटा पीस जो है वो जावित्री है, 1/2 टीस्पून मेरे पास जीरा है और 1/2 टीस्पून मेरे पास साबित धनिया है। जीरा में मैंने थोड़ा सा शाही जीरा भी ऐड किया हुआ है। तो इन सबको मैं ड्राई रोस्ट करके पीसूंगी, ये मैं आपको बता सेपरेट कर दे रही हूँ। मैं आप ये फिर देख लीजिए, ये सारी चीजें ड्राई रोस्ट होंगी और इसको मैं पीसूंगी, और जब मेरा सालन तैयार हो जाएगा तो इसके ऊपर मैं एंड में डालूंगी। ये 1/2 टेबल स्पून जो है मेरे पास नमक है, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट है, बाद लोग कम खाते हैं, बाद ज्यादा खाते हैं। 1 टेबल स्पून मेरे पास लाल मिर्च है, 1/2 टेबल स्पून जो है मेरे पास गरम मसाला है और 1/2 टीस्पून हल्दी है। यहाँ पे मेरे पास 1/2 कप योगर्ट है और गरम साबित गरम मसाले में मेरे पास 3 बेलीफ है, बेलीफ के पत्ते हैं, 3 जो है कड़ी पत्ता है मेरे पास, 1/2 टीस्पून काली मिर्च है, 3 छोटी इलायची है, 5 से 6 लौंग है और 2 बड़ी इलायची है। सबसे पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये है कि मैं प्याज को फ्राई करूंगी और इसको निकालूंगी और इसके साथ साथ ये 2 टमाटर लहसुन अदरक हरी मिर्च देके पीसूंगी। 1/2 कप मेरे पास तेल था, इसी गरम तेल मेरा गरम हो चुका था तो मैंने इसमें जो प्याज आपको दिखाया था वो डाल दिया है। प्याज को मुझे फ्राई करना है लेकिन मैं बहुत फ्राई नहीं करूंगी, कच्चा पक्का करके मैं इस प्याज को निकाल लूंगी। मैंने आपको बता दिया था कि इसके बाद टमाटर हरी मिर्च और लहसुन देके इसको मैं पीसूंगी। जी देखिए, प्याज बिल्कुल कच्चा पक्का भी हो गया और हल्का हल्का फ्राई भी हो गया। ठीक है, अब इस मौके पे मैं प्याज को निकाल लूंगी और इसी में मैं टमाटर लहसुन अदरक और हरी मिर्च को डाल के 2 मिनट के लिए सौते करूंगी। अभी प्याज मैं निकाल देंगी। मैंने आपसे कहा था मैं इसी में टमाटर और हरी मिर्च को दे के फ्राई कर रही हूँ और इसके बाद प्याज के साथ डाल के इन सबको पीसूंगी। सब फ्राई कर लिया है, अब मैं इनको पीस के पेस्ट बना रही हूँ। ये देखिए, ये चटक गया है। अब हम इसमें मसाला डालेंगे। मसाला देखिए अच्छी तरह से भुना गया है, क्योंकि जब तक मसाला भुनाएगा नहीं आप चिकन मत डालिएगा। अब मैं इसमें सब चिकन डाल के थोड़ा सा पानी डाल के फिर दोबारा मसाला भूनेंगे। अब जो है मेन पार्ट यानी कि भुनना, आप मसाला चिकन सबसे एक साथ मिक्स करके भूनते जाइए। चिकन इसी में फ्राई होता जाएगा, तेल छोड़ रहा है, इसी तेल में चिकन फ्राई भी होगा मसाले के साथ और मसाला भी भुनाता जाएगा। ये देखिए, मसाला बहुत अच्छी तरह से मैंने भून लिया है गोश्त के साथ। पानी के छींटा डाल के आप इसको मसाले को भूनते रहिए जब मसाला बहुत अच्छी तरह से भुना जाए। ये देखिए, अब देखिए मसाला तेल ये सब में ये गोश्त बहुत अच्छी तरह से फ्राई भी हो गया है।
हम इसी तरह कवर करेंगे। अब कवर करके मैं 2 मिनट और इसको कवर में रख के ही स्टीम दूंगी और मसाला भूनूंगी, इसके बाद फिर पानी डालेंगे। इसी तरह कवर कर करके आप जो है भूनते रहिए गोश्त को। ये देखिए कितना अच्छा ये भुना गया है गोश्त, मसाला गोश्त सब कुछ बिल्कुल मिक्स हो गया और ये गोश्त का देखिए शक्ल भी बदल चुकी है, तेल भी ऊपर आ रहा है। अब इस मौके पे हम पानी डालेंगे। पानी आपको जितना शोरबा चाहिए उसी हिसाब से आप पानी डालिए। और वैसे मैं ये पानी डाल रही हूँ वही पानी है जिससे मैंने प्याज पीसा था, उसी का पानी जो है मैं यूज कर रही हूँ। और शोरबा आप अपने हिसाब से देखिए आपको कितना शोरबा आपको लगा रखना है। इस तरह से प्याज फ्राई करके पीसने से एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि हाँ जो प्याज मुंह में आता है ना वो नहीं आएगा। तो मैं जब भी कोई सालन शोरबेदार बनाती हूँ मैं उसके प्याज को हमेशा फ्राई करती हूँ और पीस लेती हूँ। देखिए मैंने अपने हिसाब से शोरबा रख लिया है और मैं इसको अब मुर्गी को गलने के लिए छोड़ूंगी। आज मैं मीडियम पे कर रही हूँ और कवर करके इसको मैं 10 मिनट्स टू 15 मिनट्स इसको गलने के लिए छोड़ रही हूँ। ये देखिए 15 मिनट हो चुका है और मैंने आपको बताया था कि आप अपने हिसाब से ग्रेवी रखिएगा, मुझे बस इतनी थिक ग्रेवी चाहिए तो मैंने उसी हिसाब से रखा है। और जो मसाला मैंने आपको दिखाया था वो तकरीबन 1 टेबल स्पून हुआ है, तो मैं ये 1 टेबल स्पून वो मसाला जो मैंने आपको दिखाया था कि मैं पीसूंगी तो वो मसाला मैंने पीस के इसमें डाल दिया है। हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक कटा हुआ वो डाला है मैंने। अब मैं इसको दम पे रख रही हूँ अबाउट 15 मिनट्स मोर और अंटिल जब तक आपका तेल भी ऊपर आ जाएगा। मैं ज़्यादा तेल मैंने यूज़ नहीं किया है, हमारे यहाँ ज़्यादा तेल खाना पसंद नहीं किया जाता है, तो तेल आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ज़्यादा तेल पसंद है कि बहुत ज़्यादा उसके ऊपर ऑयल आए तो आप अपने हिसाब से ऑयल को ज़्यादा कर लीजिएगा, पर मैंने ऑयल कम रखा है क्योंकि हमारे यहाँ ऑयल ज़्यादा खाना पसंद नहीं किया जाता है। तो अभी मैं इसे 15 मिनट कवर करूंगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी डिश आउट। अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इस पे मैं हरा धनिया चॉप किया हुआ वो डाल रही हूँ और इसको डालने के बाद हाँ मैं एक चीज और कि मैंने 1/2 टीस्पून के करीब कुटी हुई काली मिर्च भी ऐड किया था, मैं भूल गई थी उस वक्त मसाले में आपको दिखाने के लिए कि 1/2 टीस्पून से भी कम यानी कि 6 से 7 दाना काली मिर्च मुझे भून के पीसना था, मैं भूल गई थी तो बाद में मैंने फिर वो ऐड किया है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि 1/2 टीस्पून जो है आप काली मिर्च इसमें डालिएगा, टेस्ट बहुत खुलकर आएगा। अब इसको हम कवर कर दे रहे हैं, मैं इसी तरह धीरे आंच पे छोड़ रही हूँ। बैक होम में चिकन जब पकती है तो बहुत मज़ेदार और यम्मी सी फटाफट तैयार भी होने वाली है। यहाँ चिकन जो है अच्छी होती है, हम यहाँ इतना पानी वगैरह नहीं डालते क्योंकि वो ऑलरेडी बर्फ़ में होती है, क्या वजह है कि बहुत जल्दी गल भी जाती है तो हमें तो, लेकिन फिर भी मैं चिकन को बहुत धीरे आँच पे एटलीस्ट 1/2 आवर ज़रूर पकने के लिए छोड़ती हूँ ताकि बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो जाए। तो आप जितना देर इसको धीरे आंच पे पकाएंगे ये चिकन उतना ही ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। ये आप लोगों को लगता है कि नहीं लगता लेकिन मुझे लगता है कि जल्दी पकी हुई चिकन और देर तक दम पे छोड़ी हुई चिकन में बहुत फ़र्क है।